नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दरअसल बात यह है कि इधर भी कुछ लोग प्रश्न यह कर रहे हैं कमेंट में आकर कि कितने लोग पास हो रहे हैं, पास होने वालों की संख्या क्या है, इसके बारे में बहुत से लोग प्रश्न कर रहे हैं। और शिक्षा मित्र बंधु कितने पास हैं, यह भी दो यक्ष प्रश्न आप लोग के सामने हैं। 69,000 टीचर भर्ती का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि 60-65 पर कितने लोग पास हो रहे हैं और शिक्षा मित्र बंधु कितने पास हैं, यह दो यक्ष प्रश्न आप सभी लोग के सामने है। देखिए दोस्तों, इस विषय में मैं शायद वीडियो बना चुका हूँ, बता भी चुका हूँ आप लोग को, लेकिन यह अंतिम महासर्वे 69,000 टीचर भर्ती के बारे में जो फिर अभी 3 दिन पहले मैं फिर से जारी किया और 3 दिन पहले मैं खुद इस पर सर्वे किया, बहुत बड़ा महासर्वे है जिसमें हमारे टेलीग्राम चैनल के भी और जो हमारे कुछ और टेलीग्राम चैनल हैं अन्य लोगों के, कम से कम उस टेलीग्राम चैनल अगर सभी टेलीग्राम चैनल को अगर देख लिया जाए तो कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग हैं, 17-18 हज़ार करीब वो लोग हैं। और फिर हमारे फेसबुक ग्रुप से और फिर हमारे व्हाट्सअप जो हमारे ग्रुप हैं उसमें भी कम से कम 1,500 के करीब लोग हैं, जो भी 8-9 व्हाट्सअप ग्रुप है, 8-9 तो उससे भी लोग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़े समुदाय को, बहुत बड़ी संख्या बल को लेकर हमने यह महासर्वे किया है, अंतिम महासर्वे किया है। 69,000 टीचर भर्ती का अंतिम महासर्वे है और यह अंतिम महासर्वे इसलिए करना पड़ा क्योंकि इधर बीच कुछ लोग अफवाह में आ गए हैं और कई सारे चैनल हैं जो जारी कर रहे हैं कि 60-65 पर कितने लोग पास हो रहे हैं बता रहे हैं, और शिक्षा मित्र बंधु कितने पास हैं यह भी बता रहे हैं, और कितने गुणांक पर लोग सेफ हैं यह सब बातें कर रहे हैं कुछ चैनल वाले हैं। लेकिन यह तथाकथित चैनल वाले न जाने किस बेस पर बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, अब खुद बताइए। वह खुद बहुत बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। वो कुछ लोग जो संशोधित आंसर की में नंबर बढ़ने की बात कर रहे हैं और ज़्यादा नंबर बढ़ने की बात कर रहे हैं, बताइए 6 नंबर बढ़ने की बात कर रहे हैं। एक प्रतिष्ठित क्या कहूँ, जैसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए 69,000 टीचर भर्ती के, तो इस आधार पर कहिए कि वह बड़े चैनल हैं, इत्तफाक से बड़े चैनल हैं, दुर्भाग्य से बड़े चैनल हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा कि 6 से 7 ईश्वर की संशोधित ईश्वर की में नंबर बढ़ेंगे, यह कितनी दुर्भाग्य की बात है। संशोधित ईश्वर की में इतने ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं, तब भी अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि संशोधित ईश्वर की में इतने नंबर बढ़ेंगे तो इसका मतलब साफ साफ है कि वह चाहता है कि उसके वीडियो को ज़्यादा व्यू मिले। और जितने भी फेल लोग हैं जो बहुत ही कम नंबर, ज़्यादा 6-7 नंबर से कब फेल हो रहे हैं, चाहे हो वह OBC हों, SC हों, SC हों, ST हों, जनरल वाले हों, जो कैटेगरी वाले हैं, जो भी सब लोग 6 से 7 नंबर से फेल हो रहे हैं, वह उनकी वीडियो को देखें, उनकी वीडियो को शेयर करें, उनकी प्रशंसा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह उम्मीद पाल लें कि वह भी इसमें पास हो जाएंगे क्योंकि 6 से 7 नंबर उनको कॉमन मिलने वाले हैं। लेकिन आप खुद बताइए इससे क्या फ़ायदा होगा। पहली बात तो 6 से 7 नंबर कॉमन नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन अगर 6 से 7 नंबर कॉमन मिल गए, सुनो 69,000 टीचर भर्ती वाले जितने भी लोग हैं इस बात को आप सुनिए, आप लोग अगर 6 से 7 नंबर कॉमन मिल गए तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। क्या 60% कट ऑफ को बचाने का कोई बचने का कोई मतलब होगा? पहले तो मिलेंगे नहीं, मिलना ही गलत है, लेकिन क्या 60% को बचाने का कोई मतलब होगा? 60% पर आप खुद बताइए, 6 से 7 नंबर अगर बढ़ जाते हैं, कॉमन नंबर मिल जाते हैं, तो कितने लोगों की एंट्री हो जाएगी, कितने लोगों की एंट्री हो जाएगी जो एंट्री भी असंगत होगी, आप खुद बताइए। 60% का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा यार। और जबकि हमें बता चुका हूँ मुश्किल से 1 या 2 नंबर बढ़ने वाले हैं, 1 या 2 से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं दोस्तों। मैं आप लोग को इस पर फोर्स करके कह रहा हूँ, 1 या 2 नंबर बढ़ने वाले हैं, उससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं संशोधित ईश्वर की में। उसके बाद भी 6 से 7 नंबर बढ़ने की बात कर दे रहे हैं कुछ चैनल वाले हैं, और कुछ लोग सर्वे भी किए हैं कि 60% पर कितने लोग पास हो रहे हैं, जबकि उनका सर्वे भी बहुत ही गलत है, न जाने वह कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो अंतिम महासर्वे आया, इसके पहले मैं सर्वे कर चुका हूँ, लेकिन अब अंतिम महासर्वे है, इसके बाद किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं निकालने वाला हूँ, यह पूरी तरह से अंतिम महासर्वे है। और इस अंतिम महासर्वे में मैंने TGT PGT को भी ध्यान में रखा है, जो TGT PGT जो भी हुआ है, NBS हो चाहे KVS हो चाहे झारखंड अदर स्टेट में जो TGT PGT हुए हैं उसको भी ध्यान में रखकर, LT ग्रुप को ध्यान में रखकर, और जो बहुत 68,500 टीचर भर्ती बहुत सी तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद और बहुत से ज़्यादा लोगों को इस महासर्वे में शामिल करने के बाद यह अंतिम महासर्वे है और इसको मैंने लाया हूँ। और इसको अंतिम महासर्वे को करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, बहुत हज़ारों लोगों का सहयोग लगा है और तब यह सर्वे हुआ है। लेकिन एक बात आप लोगों से फिर बता देना चाहता हूँ, इस महासर्वे को आप लोग हर किसी के पास पहुँचाएँ और इसको शेयर ज़रूर करें। जो भी लोग मुझसे इत्तफाक रखते हैं,
वह इसे शेयर करेंगे, यह मेरा निवेदन है आप लोगों से, और चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे। देखिए 60-65 पर कितने लोग पास होने वाले हैं इसकी मैं बात बता दूं। 60-65 पर मामला चल रहा है, 22 अक्टूबर को सुनवाई है। एजी साहब जैसे ही आए हैं, एंट्री किए हैं, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सुनवाई हुई है। देखिए हालाँकि डर लग रहा है, डर इस बात का लग रहा है कि सिंगल बेंच में कुछ सिंगल बेंच में जैसा हुआ कहीं वह डबल बेंच में न हो जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था क्या है क्या नहीं सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग 60-65 पर फैसला आएगा, 60-65 पर निर्णय आएगा, इसको लेकर हम लोग क्यों आसान्वित हैं, हम या आप या कुछ सज्जन यूट्यूब चैनल वाले क्यों आसान्वित हैं? आसान्वित इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के अच्छे जजमेंट हैं, इसलिए आसान्वित हैं। क्योंकि हमारा जो मांग है वो भी जायज़ है, इसलिए आसान्वित हैं। और इसलिए भी आसान्वित हैं कि योग्यता को समर्थन मिलना चाहिए और योग्य अध्यापकों की नियुक्ति होना चाहिए। जिस देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही है, राष्ट्रीय शिक्षा को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, उस देश में उस प्रदेश में क्यों अयोग्य लोगों का चयन हो जाएगा, क्यों कम नंबर पाने वालों का चयन हो जाएगा? और इधर भी जो भी जजमेंट आए हैं वो हम लोग के पक्ष में हैं। और पहली बात 60-65 पर, ये देखिए कोई भी भर्ती हो उस पर कटाव लगाने का अधिकार पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास है। यह अभी हाल ही में बहुत सारे जजमेंट है जिसमें अप्रूव हो चुका है, तो इसलिए 60-65 पर जो भी कटाव गवर्नमेंट लगाई है उस पर नियुक्ति होनी चाहिए। और हमारे वकील साहब जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं उन्होंने अपनी बातें बहुत अच्छी तरीके से कर दी हैं, इसलिए हम लोग आसान्वित हैं कि 22 अक्टूबर को सुनवाई भी ज़बरदस्त होगी, शानदार होगी। और 22 अक्टूबर के बाद एडिशनल लिस्ट में केसेज आ गए हैं, तो कम से कम 3 से 4 सुनवाई में सब कुछ क्लियर होने वाला है। हो सकता है मामला दिवाली के बाद तक जाए, लेकिन यह मामला हो सकता है दिवाली के एक हफ्ते बाद आर्डर रिजर्व हो जाए, लेकिन आर्डर रिजर्व हो जाएगा, 3 से 4 सुनवाई में आर्डर रिजर्व हो जाने हैं। और फैसला अगर 60-65 पर आएगा, जो कि हम लोग उम्मीद करते हैं, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि 60-65 पर ही फैसला आए और योग्य लोगों का चयन हो, तो 60-65 पर अगर फैसला आता है तो कितने लोग पास होंगे यह मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए हमारे सर्वे के अनुसार, हमारा जो सर्वे है जिसमें से 15,000 से ऊपर लोगों ने प्रतिभाग किया है, अपनी बात रखी है, अपने नंबर बताए हैं, और बहुत ज़्यादा माध्यम था, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, चाहे फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल हैं, 7 से 8 व्हाट्सएप चैनल हैं, या फिर जो हमारे फेसबुक ग्रुप्स हैं उसमें हैं, और उस टेलीग्राम चैनल हमारे भी और हमारे मित्रों के भी, कुल मिलाकर उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिभागी हैं, और कम से कम उसमें भी 10 से 15 हज़ार के करीब प्रतिभागी हैं। तो इस लोगों इतने लोगों को मिलाकर, इन लोगों को बात करके हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया है, और अंदाज़ा जो भी लगाया है बहुत ही अच्छा लगाया है। कम से कम देखिए 85 हज़ार से ज़्यादा पास होने वाले की संख्या नहीं है, 85-86 इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर जो नंबर बढ़ने की बात करें, अगर 2 नंबर से ज़्यादा बढ़ा तो फ़र्क मिल जाएगा, 2 नंबर से ज़्यादा बढ़ा तो फ़र्क मिल जाएगा, अगर 2 नंबर से ज़्यादा न बढ़े तो पास होने वाले की संख्या 85,000 ज़्यादा नहीं होगी, यह फिर हमारे महासर्वे में हो चुका है। जबकि इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ 85,000 ज़्यादा नहीं पास होंगे, लेकिन इस बार भी मैं बोल रहा हूँ 85,000 से ज़्यादा नहीं पास होंगे। लेकिन जैसे कि कुछ विद्वान लोग जो नंबर बढ़ने की बात कर रहे हैं, कॉमन नंबर बढ़ने की बात कर रहे हैं, 6 से 7 नंबर, अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो, अगर इस तरह के नंबर बढ़ गए तो फिर गणित हमारा गड़बड़ हो जाएगा उस स्थिति में आप हमें दोष दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि इतने नंबर बढ़ सकते हैं। अगर इतने नंबर बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अगर 1 या 2 नंबर बढ़ते हैं तो 85,000 से ज़्यादा पास होने वालों की संख्या नहीं है, और यह हमारे अंतिम महासर्वे में फिर हो गया है। शिक्षा मित्र बंधु कितने पास हैं यह बता देना चाहता हूँ। 60-65 पर अगर फैसले आते हैं तो शिक्षा मित्र बंधु कितने लोग पास हैं? देखिए शिक्षा मित्र बंधु कितने पास हैं, यह हैं 2500 के करीब शिक्षा मित्र बंधु पास हैं, 2500 से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर 2500 से ज़्यादा भी हो गए तो 2, 4, 10, 15 कुछ ज़्यादा ही तरह मैं बोल दिया, सीधे मोटी मोटा आप जान लीजिए 2500। अब आप समझ सकते हैं, अगर 2600 भी हो जाए तो शिकायत मत करिएगा, 2400 भी हो जाए तो शिकायत मत करिएगा, मोटी मोटा 2500 शिक्षा मित्र बंधु कितने पास होंगे, लगभग 2500। और इसका भी आंकड़ा हमने प्रस्तुत किया था, और फिर अभी तो समय नहीं है कि मैं बताऊं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 2500 से ज़्यादा पास होने वालों की संख्या नहीं है, क्योंकि एक ज़िले में ज़्यादा अगर कोई बड़ा जनपद है तो वहाँ पर हमने देखा, पूरी लिस्ट देखी थी नेट पर, तो वहाँ पर जो हैं कम से कम समझिए, अगर बड़ा जनपद है तो उसमें 150 के करीब शिक्षा मित्र हैं, 150 कहीं 156
40, 42, 44 इस तरह हैं। अगर छोटे छोटे जनपद हैं तो उसमें भी समझिए 75, 85, 82 वैसे ही हैं। तो यह पूरा का पूरा, कुछ लोग पास भी हैं पिछली भर्ती में, अगर 10% ही मान लिया जाए 10% पास होंगे, तो उसको सब मिला जुला कर हमने आंकड़ा प्रस्तुत किया कि शिक्षा मित्र बंधु कितने पास होंगे। अगर 60-65 पर फैसले आते हैं तो शिक्षा मित्र बंधु 2500 से ज़्यादा नहीं पास हैं, 2500 लगभग पास हैं। तो यही है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 60-65 पर अगर निर्णय आता है और पास होने वालों की संख्या 85,000 है, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें 85,000 का मतलब डरने वाली बात नहीं है कि 85,000 लोग पास होंगे और 69,000 पूरी वैकेंसी है। तो नियुक्ति किसको मिलेगी, किस कौन, क्या 15,000 लोग बाहर हो जाएंगे लगभग 15,000, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पहली बात बता दूं, 85,000 लोग पास होंगे, लेकिन 85,000 में सभी लोग नियुक्ति पत्र लेने नहीं आएंगे, सभी लोग नियुक्ति पत्र के लिए परेशान नहीं हैं 85,000 में, क्योंकि उसमें से ज़्यादा भीड़ अलग हो रही है और अलग होगी भी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, LT ग्रेड के रिजल्ट निकल रहे हैं। हालांकि विज्ञान व गणित के रिजल्ट कुछ गड़बड़ हुए हैं और बहुत से ज़्यादा लोगों को चयन नहीं हुआ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम कुछ तो हो रहे हैं। अगर LT ग्रेड का रिजल्ट आ रहा तो कुछ तो भीड़ हल्का हो रही है, तो यह अच्छी बात है। और भी विज्ञान और गणित की बात मत करिए, विज्ञान और गणित में अगर रिजल्ट कमज़ोर रहा, लोगों का चयन कम हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं, विज्ञान गणित में ज़्यादा से ज़्यादा पद हिंदी और सामाजिक विज्ञान में है। और हिंदी सामाजिक विज्ञान में, देखिए, हिंदी और सामाजिक विज्ञान में ऐसा अवसर नहीं आने वाला है एल्टी ग्रेड में कि पद रिक्त पड़ जाएं, पद रिक्त नहीं पड़ने वाले हिंदी और सामाजिक विज्ञान में, पद कभी रिक्त नहीं पड़ेगा हिंदी और सामाजिक विज्ञान में, और हिंदी और सामाजिक विज्ञान के सभी पद भरे जाएंगे। तो एक अच्छी खासी भीड़ अलग होगी, भले ही कम ही भीड़ अलग होगी। चलिए, हमने मान लिया था कि एल्टी ग्रेड का अगर रिजल्ट आता है, पढ़ांग घोषित होता है, सत्यापन तिथि होती है, तो कम से कम 9,000 के करीब पद, 9,000 के लोग, 9,000 के करीब भीड़ अलग हो जाएगी 69,000 टीचर भर्ती से। तो चलिए, 9,000 मत मानिए, 5,000 मानिए, तब भी एक बड़ी बात है। अगर 5,000 भीड़ एलटी ग्रेड की वजह से अलग हो रही है, और एक अच्छी खासी भीड़ अलग हो रही है, एलटी ग्रेड में जिसका चयन हुआ है वास्तव में समझिए मेधावी हैं, और उन मेधावियों ने 69,000 टीचर भर्ती में भी कमाल किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके नंबर जब भी होंगे तो 100+ ही होंगे, 100+ से कम नहीं होंगे, और अच्छे खासे गुणांक ही होंगे। तो एक खुद सोचिए, एक अच्छे खासी गुणांक वाले, एक अच्छे खासे नंबर वाले अगर 5,000 लोग सीधे अगर ऊपर की मेरिट लिस्ट से बाहर होते हैं, तो इसका फ़ायदा अच्छा खासा आप लोग को मिलेगा। तो मान लीजिए यह 5,000 कम से कम मल्टी ग्रेड वाले बाहर हो रहे हैं, फिर उसके बाद TGT PGT, चाहे NBS TGT PGT हो, चाहे KBS TGT PGT हो, उसमें भी अच्छी खासी भीड़ अलग होने वाली है। NBS TGT PGT और KBS TGT PGT में भी लोगों का चयन हुआ है, और यह 69,000 टीचर भर्ती से बाहर हुए हैं। कुछ लोग UPSI के हैं, देखिए, झारखंड TGT PGT की भी वैकेंसी निकली थी, उसमें भी कुछ लोगों का चयन हो गया था, दिल्ली TGT PGT में लोगों का चयन हो गया था, इस तरह से बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हैं। मध्य प्रदेश की TGT PGT में भी लोगों का चयन हो गया है। तो इस तरह से काफ़ी भीड़ अलग हुई है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इर्द गिर्द कई तरह से नौकरी इधर उधर मिल गई है, 69,000 टीचर भर्ती के इंतजार में कई जगह लोग सेटल हो गए हैं। तो एक अच्छी खासी भीड़ अलग हो गई है। और सबसे पहली बात आप लोग को बता दूं, 85,000 में कम से कम 20,000 लोग ऐसे हैं जो 68,500 में बाकायदे नौकरी कर रहे हैं, वह खुद 68,500 में थे और अभी हैं, वो जॉब कर रहे हैं। तो वह 69,000 में फार्म इसलिए भर दिए क्योंकि यह मामला कोर्ट में था, तो उनके डर लग रहा था, जानती हैं हर कोई जोखिम लेना नहीं चाहता है, तो डर लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने इस सुपर टेट में भी, इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी प्रतिभाग कर लिया, वह आवेदन दे दिए, परीक्षा दे लिए और अच्छा खासा नंबर उठा लिए। तो ऐसे लोगों की संख्या कम से 20,000 है जो पहले से नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, और वह नियुक्ति पत्र लेने नहीं आएंगे और ले भी नहीं पाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि आप कितना सुरक्षित हैं और कैसे सुरक्षित हैं। अगर 60-65 फैसले आते हैं तो फैसला आपके हित में ही होगा और सभी लोगों का चयन सुनिश्चित होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एक बात और बता दूं, मैं अंतिम रूप से कहता हूं, कुछ लोग भद्दा कमेंट करते हैं, और देखिए, सब पहली बात बता दूं, स्पष्ट करना चाहूँगा, कुछ लोग भद्दा कमेंट करते हैं, मतलब नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, तो कुछ बंधु ऐसे हैं जो 60-65 के पक्षधर हैं और वो उस टिप्पणी को लाइक करते हैं, जबकि वो उन मूर्खों को, जाहिलों को नहीं पता है कि वह जो लोग भद्दा कमेंट कर रहे हैं आपके लिए नहीं कर रहे हैं, वह खुद शिक्षा मित्र हैं, और सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, वह खुद 40-45 के समर्थक हैं, वो खुद 40-45 के समर्थक हैं, और वह आप उनका वीडियो को, उनके कमेंट को लाइक करते हैं,
कि वह मुझे भद्दा कमेंट बोलना है तो आप लाइक करते हो, आप लाइक करने वाले वो लोग होते हैं जो 60-40, 60-65 वाले समर्थक हैं, तो आप मूर्खों को पता होना चाहिए वह पूरी तरह से वह जैसा कि अगर कोई भी बहुत गंदा बोल रहा है तो इतना नहीं है भाई, वो गंदा क्यों बोलेगा। अरे यार मैं यही तो कर रहा हूँ, 60% का फैसला आएगा तो मैंने कौन सा तुम्हारी कुछ 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 क्या कर लिया तुम्हारा। तो इस पर जो चिढ़ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है, थोड़ी छोटी चिढ़ने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है, तो इसका मतलब खुद निकालिए कि उसके अंदर क्या कीड़ा है, उसे कितनी दुख हो रही है। वह है वही है, वह फेल है, असफल है, परीक्षा में असफल है। हालांकि मैं ईश्वर से कामना करता हूं वो भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं, ऐसा उनसे भी ईश्वर से कामना है हमारी, और हम किसी प्रकार के किसी से द्वेष की भावना थोड़ी है, हर किसी का कल्याण होना चाहिए, और देर सवेर सबकी जॉब लगेगी और अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद आप लोग को।